ओके गुड लोग, ओ माय गॉड 2 के ऊपर का आई थिंक कोई टीजर ट्रेलर आया है, तो उसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा। व्हाट इज लव बेबी डोंट हर्ट मी डोंट हर्ट मी नो मोर। 3 2 1 ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। कनेक्टेड है, अच्छी बात है। फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर आस्तिक कांति शरण मुदकल, और तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास तू है शिव का दास। जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। भाई यार काफी प्रॉमिसिंग पिक्चर निकली यार। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था यार, मुझे काफी अच्छा लगा मुझे देख के। जिसमें बताओ, मुझे इस तरीके की कॉन्टेक्स्ट की कहानियां काफी पसंद आती है कि कई सारी मूवीज में हमने देखा हुआ है, मतलब वेस्टर्न मूवीज में, कि बंदा अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो मेहनत करता रहता है, लड़ता रहता है, कोशिश करता रहता है, और जो एंड में उसे पता चलता है कि भगवान उसके साथ हमेशा से ही थे। आई थिंक एक ऐसी मूवी थी मॉर्टस, इमॉर्टल्स नाम से, इमॉर्टस या इमॉर्टल्स नाम से, उसमें हेनरी कैविल था और एक बाबा थे वहाँ पे, और गरीब से, और वो हमेशा उसको ऐसे शायद विजडमस बातें होते करते रहते थे, और इन दी एंड में उसे पता चलता था कि देवताओं का साथ, देवता के साथ तो हमेशा से ही उसके साथ था, बस वो देख नहीं पाया। ये कहानी एंड में मुझको काफ़ी अच्छी लगती है, इस तरीके से जब कहानी टर्न आउट होती है कि हाँ भगवान हमेशा से तुम्हारे साथ। ओ माई गॉड 1 में कई सारे प्रॉब्लमेटिक थीम्स थे, लेकिन एंड में जाके वो काफी सही हो गया। और मैं इस बार नहीं समझता कि ये किसी भी तौर से पार्ट 2 में वो कोई भी छोटी सी छोटी कोई गलती करने चाहेंगे। और अक्षय कुमार का लुक मुझे बहुत ही पसंद आया कसम से, वो जो शिवलिंग पे अपने माथा टेक रहा होता है और अक्षय कुमार ऐसे वो पानी ऊपर से मारते हैं, वो थीम्स है भाई यार, मुझको काफी पसंद आया ओवरऑल, और काफी पंप कर देता है आपको। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा। अभी आता है गदर का ट्रेलर, तो मैं चूज करूंगा कि पहले ओ माय गॉड देखने जाऊं या फिर गदर। ओ माय गॉड 2 मुझको लगा था ना कि सिर्फ ऐसे कैश ग्रैब बना रहे हैं, कैश ग्रैब तो हुई लेकिन बस ऐसे ही पार्ट 2 बना दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नैरेटिव को कनेक्ट किया हुआ उन्होंने, एंड मैं देखना जरूर चाहूंगा कि इसे किस तरीके से वो हमारे सामने लेकर आते हैं। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें कैसा लगा।